न्याय शास्त्र के अनुसार हत्या का दंड मृत्यु दंड होता है, इसीलिए कृष्ण को हत्या के अपराध में मृत्यु दंड दिया जाए। क्षमा कीजिए, अपनी बहू की बीमारी के वजह से इस बार मैं कर देने में असमर्थ हूँ। जो भी राशि जमा किया था वो उसके उपचार में व्यय हो गए, पर मैं वचन देता हूँ। ठीक है ठीक है, परंतु अगली बार प्रणाम। प्रभु प्रभु आप और यहाँ? हाँ देखने आया, परंतु जो देखा वो अच्छा नहीं लगा। क्या अच्छा नहीं लगा प्रभु? प्रजा के साथ तुम्हारा व्यवहार। मैं तुम्हें सिखाता कि प्रजा के साथ कैसा व्यवहार किया जाता। जी हार, इस बार बहू की बीमारी के वजह से हाथ तंग। क्षमा कीजिए प्रभु। कारण तुम कर नहीं दे पाओगे, यही ना कृतवर्मा? जी ये सब लातों के देवता है, बातों के नहीं, उनके साथ कोमलता से नहीं। प्रभु हाँ प्रभु क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए प्रभु, प्रभु क्षमा कीजिए प्रभु। मत मारिए उसे, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए श्री कृष्ण। इन कर चोरों के साथ कठोरता से व्यवहार करना चाहिए, ये सब बहाने बनाते हैं ताकि कर देने से बच जाए। ध्यान से सुन लो सब, आज के बाद जो भी कर नहीं देगा अथवा कर की चोरी करेगा उसे मृत्यु दंड मिलेगा। पता है क्या, आज कृष्णा ने एक किसान को बड़ी निर्ममता से मारा। हमारा कन्हैया कंस हो गया। सुनकर विश्वास ही नहीं होता है कि हमारा कन्हैया इतना बदल जाएगा। भागो कृष्ण, भागो। ये बच्चे भयभीत क्यों हो गए? मुझे देखकर भाग क्यों गए? मौसी मौसी सुनिए मेरी बात, मौसी 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 क्यों द्वार बंद कर रही हैं आप? मौसी द्वार खोलिए, क्या हो गया आपको? अरे बाहर कहाँ जा रही है बावरी? सुन, अरे रुक, तू भी पिटना चाहती है? आज उसने तेरे पति को कोड़े से पीटा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुझे देखकर तेरे पति का गुस्सा तुझ पर उतारने लगे। अब उसका कोई भी भरोसा नहीं है, कहते हैं जवानी में ही बालक बालिकाओं के गुणों के स्वभाव का पता चलता है, और काना ने तो दिखा दिया। अरे अब उससे बचकर रहना होगा। माँ जी निश्चित रूप से कोई भूल हुई है, हमारा दुलारा कृष्ण कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। तेरे पति की मार
प्रमाण नहीं है? नहीं, मैं नहीं मानती से प्रमाण। तब क्या, तू तब मानेगी जब वो तुझे पिटेगा? मैं अपने काना को घर में लाकर प्रमाण दूंगी कि मेरा काना वही है जो पहले था। उसके हृदय में मथुरा वासियों के लिए वही प्रेम है जो पहले था। जाती है तो जा, लेकिन मेरी एक बात सुनती जा तू। आज से और अभी से इस घर के दरवाजे तेरे लिए सदा के लिए बंद हो गए। नहीं माँ जी, नहीं, इतनी बड़ी सजा मत दीजिए माँ जी। दरवाजा खोलिए माँ जी, कान्हा पर विश्वास का इतना बड़ा दंड मत दीजिए माँ जी। काकी, 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 द्वार खोलिए काकी, काकी, मुझे अपनी भूल तो बता दीजिए कि मुझे देखकर सब द्वार क्यों बंद कर रहे हैं? काकी, काकी, द्वार खोलिए। यदि मुझसे कोई भूल हो गई है, कोई अपराध हुआ है, मैं क्षमा मांगता हूँ काकी। काकी द्वार खोलिए, द्वार खोलिए काकी। यह क्या, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा? वहाँ वाले कृष्ण और यहाँ के कृष्ण में तो आकाश और धरती का अंतर है। कहाँ ये कृष्ण लोगों से प्रेम की भीख मांग रहे हैं और कहाँ वो कृष्ण? ऐसा कैसे हो सकता है, कृष्ण के दो दो रूप? कृतवर्मा, 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 लोगों को क्या हो गया है कृतवर्मा? कोई मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? सब मुझसे मुंह क्यों फेर रहे हैं? सब मुझे देखकर अपने अपने द्वार बंद कर रहे हैं। मुझसे प्रेम करने वाले लोग मुझसे घृणा क्यों करने लगे हैं कृतवर्मा? मन के अंदर झांको श्री कृष्ण, उत्तर मिल जाएगा। कृतवर्मा, तुम तो मुझे इस प्रकार छोड़ के मत जाओ कृतवर्मा। लल्ला, लल्ला, मैंने सुना है आज तूने प्रजा पर कोड़े बरसाए और कर न देने वाले लोगों को मृत्युदंड की घोषणा की। क्या ये सत्य है? तू कुछ बोलता क्यों नहीं है? जवाब दो। मैं तब तक उत्तर नहीं दूंगा जब तक तू मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे देती। कैसा प्रश्न? ऐसी तो क्या व्यवस्था आ गई थी कि एक मैया ने अपने ही पुत्र को अपने से दूर रखा? ऐसा तू कह? मैं वही कह रहा हूं जो सारा संसार जानता है। काना, काना, काना। अच्छा हुआ पिताश्री आप आ गए, मुझे आपसे एक आवश्यक बात करनी। वही तो मैं तुमसे करने आया हूँ। तुम बदल गए हो काना, वो भी रातों रात। अचानक से तुमने बाहर वालों की पीठ पर कोड़े से घाव दिए ही। नहीं, मैया का अपमान करते हुए लज्जा नहीं आई तुम्हें? ये आप क्या क्या कह रहे हैं पिताश्री? सच कह रहा हूँ मैं। ये झूठ है पिताश्री। किसी और ने ये बात कही होती तो शायद मैं मान भी लेती, पर ये बात तुम्हारी मैया ने मुझे कही। मैया ने? मैया, मैया द्वार खोल, मैया, मैया द्वार खोल। मत पुकारो मुझे मैया, नहीं हूं मैं तुम्हारी मैया। मैंने कहा तुम्हें जन्म दिया, इसीलिए मेरी ममता को ये उपहार दिया है तुमने। तुमने जो घाव दिया है वो मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। जो चोट पहुंचाई है वो नहीं भूल पाऊंगी, इसीलिए कह रही हूँ चले जाओ यहाँ। नहीं मैया, मैं बिना तुझसे बात किए यहाँ से नहीं जाऊंगा।
द्वार खोल मैया, मैया मैया मेरी बात सुन। क्या सुनू, जो कहना था वो कह दिया, क्या कहना सुनना बाकी है? अच्छा किया जो अपनी बेबस मैया को तुमने तुमने दर्पण दिखा दिया। मुझे तो अब तक यही लगता था कि एक अच्छी माँ हूँ, पर अब समझ आ रहा है कि मैं कभी एक अच्छी माँ बन ही नहीं पाई। ये तो मेरा भ्रम था, अपने वाणी के बाण से मेरे भ्रम को तोड़ दिया तुम। आज तुमने पुत्र धर्म निभाया, पुत्र के आरोपों का अब यही दंड है कि अभागे ना सहाय माँ अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाएगी, और मैं अपना ये मनहूस चेहरा तुम्हें कभी नहीं दिखाऊंगी, कभी नहीं। नहीं मैया, ऐसा मत बोल मैया, नहीं तो मैं तेरे बिना नहीं रह सकता मैया, मैं तुझसे दूर नहीं रह सकता। मैया द्वार खोल, मैया द्वार खोल मैया। कृतवर्मा, 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 जिस किसी ने भी ये किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारे रक्त की सौगंध खाकर कहता हूं कृतवर्मा, जब तक इस अपराधी को ढूंढकर उसे दंडित नहीं कर देता तब तक ना तो अन्न ग्रहण करूंगा और ना ही जल, और ये एक मित्र का अपने मित्र के नाम संकल्प। पिताश्री, अच्छा हुआ पिताश्री आप सही समय पर आ गए। ये देखिए किसी ने कृतवर्मा की हत्या कर दी। मैं जानता हूँ ये हत्या किसने की। किसने, यदि आप जानते हैं तो मुझे बताएं पिताश्री। जो मेरे सामने खड़ा, मुझे पूरा विश्वास है कि कृष्ण मुझे खाली हाथ नहीं भेजेंगे, मुझे मेरा स्थान मेरे ससुराल में अवश्य दिलवाएंगे। पिताश्री, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? जैसी मुझे करनी चाहिए, मथुरा के सबसे भरोसेमंद सेनापति की हत्या कर दी तुमने। अपनी भोली भाली बातों से सत्य पर पर्दा डालने का प्रयास मत करो। हत्यारे, तुझे मारने का आनंद लेना चाहता हूं, लड़ मुझसे। पिताश्री, आप मुझ पर संदेह कर रहे हैं? पिताश्री, आप ये इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? अस्त्र तुम्हारे हाथ में स्वयं देखा मैंने, और मृतक शरीर सामने पड़ा, इससे यथेष्ट प्रमाण क्या चाहिए तुम्हें? बाहर आओ। मैंने स्वयं देखा है तुम्हें कृतवर्मा की हत्या करते हुए, तुम हत्यारे हो। सुनिए, वहां कुछ तो हो रहा है, आप राजा जी को बताइए ना, वहां कुछ हो रहा है, आप जाइए। पिताश्री, हमारे साथ एक बहुत बड़ा छल किया जा रहा है, हमारे बीच ये बहुरूपिया कृष्ण है जो ये अनुचित कार्य कर रहा है। लोगों को मारना, मैया का अपमान, कृतवर्मा की हत्या, ये सब इसी ने किया है। मैंने सौगंध खाई थी अपने मित्र के शव पर कि मैं उसके हत्यारे के साथ न्याय अवश्य करूंगा, और न्याय यही है
कि अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। पिताश्री, इस बहुरूपे ने जो पाप किया है, जो अपराध किया है, उसका दंड इसे यही मिलना चाहिए, अभी इसी क्षण मिलना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो काना। परंतु पिताश्री, बस रुक जाओ वासुदेव। न्याय को अपने हाथ में मत लो। सैनिकों, इस अपराधी कृष्ण को बंदी बना लो और राजसभा में प्रस्तुत करो। जाओ। भागने की कोशिश मत कर। मेरी आज्ञा का उल्लंघन हुआ तो निर्णय से पहले तुम्हारा अंत कर दूंगा। पिताश्री, आपकी आज्ञा का उल्लंघन ना कभी किया है और ना ही कभी करूंगा। वासुदेव, आप कैसे जानते हैं कि कृष्ण अपराधी है? मेरा वहां उपस्थित होना ही इस बात का आधार है महाराज। मैंने स्वयं अपनी आंखों से इसके हाथ में अस्त्र देखा था। आप कैसे कह सकते हैं कि असली कृष्ण कौन है और नकली कौन? यदि बलराम रामपुर ना गया होता तो ये सहज ही प्रमाणित हो जाता। कुछ विशेष बात है पिता और पुत्र के बीच जो केवल पिता और पुत्र जानते हैं। क्या है वो विशेष बात? उस समय की जब कान्हा का जन्म हुआ था। मैं इसे नंद बाबा और यशोदा मैया के पास छोड़ने जा रहा। वर्षा ऋतु का समय था, यमुना अपने पूरे उफान पर थी। मुझे लगा मैं और कान्हा डूब जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। कैसे? इसका क्या संबंध है पिता और पुत्र के बीच? बहुत गहरा संबंध है महाराज। यही वो विशेष बात है जो मैं और मेरा पुत्र जानते हैं। कृष्ण, क्या तुम बता सकते हो कि तुमने अपने प्राण कैसे बचाए? क्यों नहीं, यमुना नदी की उफान मेरे चरण स्पर्श करने के लिए थे, ये मुझे ज्ञात हो गया था। और मैं ये भी जानता था कि मेरे पिताश्री कष्ट में हैं। इसीलिए मैंने टोकरी से अपने चरण को बाहर नीचे रखा, यमुना नदी ने मेरे चरण स्पर्श किए और शांत हो गए। नदी का जल कम हो गया और मेरे पिताश्री पार कर गए। महाराज, ये सत्य है, परंतु ये किसी से सुनकर कह रहा है। परंतु ये कैसे संभव हो सकता है कि जो बात पिता पुत्र के बीच में हो वो किसी और को भी पता चले? वासुदेव ने इस बात की पुष्टि स्वयं की है। परंतु ये सत्य मुझे पता है, क्योंकि असली कृष्ण मैं हूँ। मैं कहने ही जा रहा था कि तो कहा क्यों नहीं, क्योंकि तुमने कहना प्रारंभ कर दिया और बात के बीच में बोलना अशिष्टता होती है, इसलिए मैं चुप रहा। नहीं, इसलिए क्योंकि तुम नकली हो। महाराज, मायावी शक्तियों की सिद्धि से कुछ दुष्ट ऐसा करते हैं। इसने भी प्रयत्न किया होगा, परंतु उस क्षण इसकी शक्ति जागृत नहीं हो, विवशता के कारण इसे चुप रहना पड़ा। महाराज, मैं असली कृष्ण हूं, इसलिए मैंने कह दिया। मेरा काना सत्य कह रहा है महाराज। ये बहुरूपिया ये सिद्ध हो चुका है। और मैं तो प्रत्यक्षदर्शी भी हूं इस बहुरूपिया के हाथों हुई हत्या का। सैनिकों, इस बहुरूपियों को बंदीगृह में डाल दो। आचार्य, उत्तम, अति उत्तम मिठ्यासुर, हम तुम्हारे कार्य की सफलता से अति प्रसन्न हैं, क्योंकि तुमने वो कार्य कर दिखाया जो आज तक कोई असुर नहीं कर सकता था। मिठ्यासुर, तुमने जिस बुद्धिमत्ता
चतुराई और कुशाग्रता का परिचय दिया, वो गुप्तचरों के लिए एक दर्पण का कार्य करेगा। इस संपूर्ण संसार में गल बल और छल में तुम्हारा कोई जोड़ नहीं है मिथ्यासुर, कोई जोड़ नहीं। तुमने जिस सफाई से उस छलिया कृष्ण को हत्या के आरोप में फंसाया, वो अति प्रशंसनीय है। परंतु क्या आचार्य, कोई भूल कोई त्रुटि? जो हुआ वो हमारी योजना का भाग नहीं था मिथ्यासुर। जानता था, पर उसे मारना विवशता भी थी और अनिवार्य भी। उसने हमें आपसे बात करते हुए देख लिया था। श्री कृष्ण, यह कैसे हो सकता है? कैसा भेद है यह कैसा भेद है? इस भेद का पता लगाना होगा। तो देखा था श्री कृष्ण को जाते हुए, किधर चले गए? श्री कृष्ण, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। विजय होने से कोई नहीं रोक सकता आचार्य, उस छलिया कृष्ण की मृत्यु निश्चित है। राजसभा में सार्वजनिक रूप से उसकी मृत्यु दंड की घोषणा हो चुकी है। दल का उगने वाला सूर्य उसके जीवन रूपी सूर्य के अस्त होने का संकेत होगा। आचार्य, अपनी पैनी पकड़ रखो और उसके कंठ में काल की पकड़ इतनी मजबूत हो कि उसके कंठ से ध्वनि भी ना निकले। यह अवसर हमारे लिए सुअवसर में परिवर्तित हो जाना चाहिए मिठियासुर, सुअवसर में। ऐसा ही होगा। गुरुदेव, सुना है कि आपको असुरों का कोई रत्न हाथ लग गया है? सही सुना है राहु, तुमने एकदम सही सुना है, क्योंकि जिस कार्य को तुम बार बार के प्रयासों से भी पूर्ण नहीं कर पा रहे थे, उस कार्य को उसने मात्र एक ही प्रयास में पूर्ण कर दिया। राहु, गुरुदेव, वो असुर कौन है? मिठियासुर, यही है वो राहु जो हमें उस कृष्ण से छुटकारा दिलवाएगा। परंतु कैसे गुरुदेव? बात 100 वर्ष पूर्व की है। मिठियासुर ने हठ योग करके शिवदेव की तपस्या शुरू की और फिर उसकी तपस्या से महादेव प्रसन्न हुए और स्वयं उसके सम्मुख प्रकट हुए। प्रणाम महादेव। उस वरदान से उसे अपनी आकृति अपना रूप बदलने की शक्ति प्राप्त हो गई राहु। और मात्र इतना ही नहीं राहु, वो जिसका भी रूप धारण करेगा उसके अंदर स्वयं उसके सारे गुण उसकी सभी विशेषताएं भी उसमें समाहित हो जाएंगी। राहु, ऐसा है गुरुदेव? दूसरा
महत्वपूर्ण वरदान और भी था कि उसे ना तो कोई पाताल लोक में ही मार सकता है और ना ही पृथ्वी लोक। अद्भुत गुरुदेव, अब तो हमारा स्वर्णिम काल आने से कोई नहीं रोक सकता है ना गुरुदेव। हाँ राहु, ये मिठियासुर ही हमारे शत्रु को मारने का सबसे उचित अस्त्र है। मैं तुम्हारे बिना कैसे रह सकती हूँ काना? तुमने तो मुझे वो शक्ति दी है कि तुम जब चाहो तुम्हारे बुलाने पे मैं आ जाऊं। और वैसे भी इस दुख की घड़ी में मैं कैसे तुम्हें भूल सकती हूँ? तू ना तो रहा नहीं गया काना, ये सब कैसे हो गया? क्या हो गया ये सब? संसार में इसी को नियति कहते हैं। जब जो होना है तब सो होता है। पिताश्री, कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? क्या हुआ पिताश्री? किसी ने मुझ पर प्रहार किया। आप पर भी? तात्पर्य? तुम पर भी? हाँ पिताश्री, ये अवश्य ही उस बहुरूपी का कार्य है। बंदी ग्रह की दीवारें भी उसके इस कुकृत्य को रोक नहीं पा रही है। हमें चलकर देखना चाहिए पिताश्री। चलो। नहीं, मैं मान ही नहीं सकती। तुम बहुरूपिया हो ही नहीं सकते। किंतु इस बंदी ग्रह में बहुरूपिया ही बंदी है। जैसे तुम मेरी आर्ट से अपनी राधा को पहचान लेते हो, वैसे ही मैं स्पर्श से अपने कान्हा को पहचान लेती हूँ। मेरे स्पर्श से ही कह दिया है कि तुम ही मेरे कान्हा हो। क्या करूं मैं? इन दो कृष्णा में से कैसे पता करूं कि कौन मेरा असली कृष्णा है और कौन नकली? जो गलत काम नहीं करे वही मेरा असली कृष्णा। छोड़ मुझे, कौन? छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। जिस प्रकार बीज को अंकुरित करने की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार सत्य को भी उजागर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो स्वयं ही सूर्य के समान उदित होकर सबके समक्ष प्रकट हो जाता है। तुम मक्कम रहो, मेरी चिंता ना करो। फूलमती के पास जाओ राधे। कैसे अपने कान्हा की चिंता छोड़ दूं? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। बेचारी। हे मेरे तारणहार, मेरी रक्षा कीजिए। श्री कृष्ण, नकली कृष्ण के प्रभाव से हम मथुरा को मुक्त कीजिए प्रभु। नाश कीजिए, नाश कीजिए। भागो, इसके पास कोई माया हो सकती है। मायावी शक्ति और मुझ में? कहीं काना ने तो? फूलमती, प्रणाम माता। सातवें माह में तुम संतान को जन्म दोगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे माता बनने का गौरव प्रदान किया। धन्यवाद हमें नहीं, माता देवकी को दीजिए, ताकि आपकी संतान भी कृष्ण के समान हो। जननी बनने से पूर्व एक सफल जननी का आशीर्वाद सदा फलदायी होता है।
उसने आप पर प्रहार किया है ना पिताश्री, सौगंध आपकी, उसकी भुजाएं ना उखाड़ फेंकी दो। शांत हो जाओ काना, मेरी चोट से इतना हाथ हो गए तुम, शांत हो जाओ। पिताश्री, पिताश्री देखिए ये कैसे हम दोनों पर प्रहार कर यहां शांति से खड़ा है, न जाने ये कहां कहां क्या क्या करने की सोच रहा है। मेरे पुत्र पर प्रहार किया तुमने, इसका बदला मैं तुम्हारे रक्त से लूंगा नीच। पिताश्री मैं जानता हूं आप उधेड़ बून में हैं, आपके भीतर भारी द्वंद्व चल रहा है मुझे और इसको लेकर। प्रभात का समय हो गया, चलो। मायावी अभी तो तू बच गया, परंतु कल प्रातःकाल कैसे बचेगा तू, कौन बचाएगा तुझे? हाँ कल की भोर हमारे विजय की भोर होगी, समझ गया तू? विजय सदा सत्य की होती है, विजय सदा धर्म की होती है। मिठियासुर, क्या क्या कहा तूने? तुझे मेरा नाम कैसे पता? मैं तुम्हारा नाम ही नहीं और भी बहुत कुछ जानता हूं तुम्हारे बारे में, परंतु अत्यंत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है, कोई सुनेगा नहीं तुम्हारी बात, और यदि सुन भी ली तो कोई विश्वास नहीं करेगा तुम्हारी बातों पर। मरने वाला व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता और ना ही अपने हृदय पर बोझ लेकर मरना चाहता है। सुना है क्षमा मांग लेने से बोझ कम हो जाता, परंतु ऐसे मेरे भाग्य कहाँ। मैया फिर भी जाते जाते एक बात का विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिन बातों से तेरे हृदय को आघात पहुंचा है वो मैंने नहीं कही। तू सदा मेरे लिए पूजनीय थी और सदा पूजनीय रहोगे। इस हत्यारे को निर्दोष सिद्ध करने का एक और अवसर देना चाहती हूं। मैया अपराधी को अवसर नहीं देना चाहिए, अपराधी का अंत जितना शीघ्र उतना ही अच्छा। नहीं कारण, राजधर्म का सिद्धांत कहता है कि दोषी और निर्दोष दोनों अपना पक्ष रखने का अवसर देना चाहिए। यदि ऐसा न किया तो राजधर्म कलंकित होगा। जैसा आप कहें, परंतु मेरे विचार से ऐसा करना समय व्यर्थ करना होगा। मेरा पुत्र कृष्ण बहुत ही सदा हुआ लक्ष्य भेदी, मेरे मस्तक पर रखे हुए इस फल को यदि कोई भेज सकता है तो वो केवल मेरा लल्ला है। तुम यदि मेरे वास्तविक पुत्र होने का दावा करते हो तो इस फल को भेद कर दिखा, इसे धनुष बाण दिया जाए। मुझे मृत्यु दंड स्वीकार है, परंतु यह परीक्षा नहीं। तुम बहुरूपिया हो, असली कृष्ण हो ही नहीं तो परीक्षा देने को तैयार कैसे होंगे?
मैया मुझे धनुष बाण दिया जाए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि मैया का असली लल्ला कौन है और नकली लल्ला कौन है। नहीं लल्ला, विपक्षी को एक अवसर देना, उठाओ धनुष और साधो नाश। ये एक माता का आदेश। देखा मैया, ये केवल बहरूपिया ही नहीं मायावी भी है। इसने अपनी माया से मेरे बाण को भस्म किया है। ये मेरा स्थान लेना चाहता है, पर याद रखना बहरूपिये, तू मेरा स्थान कदापि नहीं ले सकता। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। का स्थान कभी ले ही नहीं, क्योंकि तू बहरूपिया है। उसने तेरे बाण को इसलिए भस्म किया क्योंकि वो अपनी मैया को तेरे हाथों मरने से बचाना। नहीं मैया, ये क्या कह रही हैं आप? पिताश्री बता, सबकी आंखों में धूल झोंकने वाले तुझे जीवित नहीं छोड़ना। निर्णय हो गया है, ये मेरा पुत्र कौन है? इसने मृत्युदंड स्वीकार किया, परंतु अपनी मां पर शस्त्र उठाना स्वीकार नहीं किया। पिताश्री छोड़ दीजिए, मेरा कंठ छोड़ दीजिए, पिताश्री छोड़िए। पिताश्री छोड़ दीजिए इसे। बहरूपिये कौन है तू? अपने वास्तविक रूप में आ जा, अन्यथा रूप धारण करने योग्य नहीं रह जाएगा तू। अवश्य ये दुखद है कि मेरी ये चाल असफल हो गई, परंतु अभी भी मिठ्यासुर के तरकश में कई तीर हैं, जो कृष्ण से निपटने के लिए काफी हैं। कहाँ गया मिठ्यासुर? तू जहां कहीं भी हो, आज तू मेरे हाथों नहीं बच सकता। कृष्ण, जब एक ने तुम्हें नाको चने चबा दिए तो सोचो पांच तुम्हारी क्या दुर्दशा करेंगे। मिठ्यासुर, तुम्हें क्या लगता है ऐसा केवल तुम ही कर सकते हो? तुम जितना भी प्रयास कर लो, तुम मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि इस धरती के ऊपर कोई मुझे नहीं मार सकता। मैं जानता हूं, इसीलिए मैं बात भी नहीं कर रहा तुझे धरती पर मारने की।
स्थिति बहुत गंभीर है। इससे पहले कि शेषनाग और कृष्ण हमें यहाँ ढूंढते पहुंचे, हमें कहीं छुप जाना चाहिए। उचित। प्रभु, प्रभु, मैं जानता था कि आपके मित्र कृत वर्मा के प्राण मुझे लौटाने होंगे। यमराज, आपकी सहायता और सहानुभूति के लिए मैं आपका आभारी हूं। नाम प्रभु, उठो कृतवर्मा, उठो। बहुत बड़ी भूल हो गई देवकी, मैं अपने ही अंश को पहचान ना सका। मैं क्षमा मांगने योग्य भी नहीं हूं। नहीं पिताश्री, धर्म के अनुसार बड़ों के हाथ जोड़ने के लिए नहीं, उठाने के लिए होते हैं। काना, काना, मेरे पुत्र। मेरी भी गलती है, मैं ही अपने पुत्र को पहचान पाने में चूक गई। नहीं मैया, ममता से कभी चूक नहीं होती। ममता तो एक धार है जो बिना भेदभाव के अनवरत बहती रहती है, स्नेह की शीतलता बरसाती है। परंतु आपको ये कैसे पता चला कि आपका असली कान्हा मैं ही हूं? उस फूलवती से, उसने मुझे सब बता दिया। गर्भ में है फिर भी लात मारता है। कान्हा की लातों का आपने भी अनुभव किया होगा ना? हाँ, मैं उसके हर भाव को महसूस करती थी कि वो कब क्या चाहता था। मैं भी अनुभव करूंगी माँ बेटे के इस अटूट बंधन के सुख को। जब फूलमती ने बताया तभी मुझे विश्वास हो गया कि तुम ही मेरे असली पुत्र हो। किंतु मैं अपने इस विश्वास को लोगों के सामने सच के रूप में देखना चाहती थी, इसीलिए मैंने लक्ष्य भेद की परीक्षा दी। ओहो, तो ये कारण था। वैसे तुमने हमें फूलमती की मदद करने क्यों कहा? क्यों उसे गर्भवती बनाने को कहा? अच्छा, इसका अर्थ ये है कि ये सब तुम्हारी लीला थी काना। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने मेरी बहू का बहुत अनादर किया, उसे घर से निकाला ये कहकर कि तू बांझ है। क्षमा एक ही शर्त पे दूंगी, वचन दीजिए कि आज के बाद आप अपनी बहू का बहुत ध्यान रखेगी, उसकी माँ बन के रहेगी, अर्थात उसे बहू नहीं पर बेटी मानेगी। मैं वचन देती हूँ कि मैं अपनी बहू को अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। आप लोग खाना खा के जाइए। श्री कृष्ण की जय हो। श्री कृष्ण की जय हो। श्री कृष्ण की जय हो।